हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। अगली खबर पलवल से है। पुलिस कर्मियों पर मारपीट का आरोप, पलवल से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जहां पर पुलिस कर्मियों पर मारपीट का आरोप लगा है। टोल कर्मियों के साथ कहा जा रहा है पुलिस कर्मियों ने मारपीट की है और मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जहां पर पुलिस इनके साथ मारपीट करती हुई नजर आ रही है। एसपी के टोल पर इंतजार करने को लेकर ही ये पूरा मारपीट का जो मामला है वो सामने आया है। एसपी को टोल प्लाजा पर 2 से 3 मिनट इंतजार करना पड़ा और वो शायद इंतजार करना बहुत भारी पड़ गया। ये वीडियो अब आपके सामने है जहां पर पुलिस कर्मियों पर मारपीट का आरोप लग रहा है और पूरा विवाद कहा जा रहा है कि वेट करने को लेकर हुआ। एक एसपी जब वेट करता है टोल पर कुछ मिनटों के लिए, चंद 2 से 3 मिनट बताए जा रहे हैं, लेकिन वो इंतजार बड़ा महंगा पड़ जाता है और उसके बाद टोल कर्मियों से इनकी मारपीट शुरू हो जाती है। गंभीर आरोप लग रहे हैं पुलिस कर्मियों पर। भगत सिंह तेवतिया है हमारे साथ। भगत सिंह, वीडियो जो वायरल हो रहा है कितनी सच्चाई है उसमें, कितना समझे उस वीडियो को हम? यहाँ पर एक सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पुलिसकर्मी जो टोल केएमपी पर जो जोधपुर के निकट जहाँ पर टोल बैरियर बनाया गया है टोल बूथ, उस पर वहाँ पुलिसकर्मी उनके मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो भी टोल कर्मियों का कहना है कि वहाँ से जब पुलिस के अधिकारी वहाँ से गुजर रहे थे तभी उन्होंने पुलिस कर्मियों ने देरी होने की वजह से वाहनों को उस वहां पर खड़े हुए थे और जिसके कारण देरी हो जाने के कारण उन्होंने टोल कर्मियों के साथ मारपीट की और उन्हें सीआईए ले जाकर भी उनके साथ मारपीट की है। तो कोई शिकायत दर्ज की गई है भगत सिंह अभी तक इन पर, पुलिस कर्मियों पर जो की मारपीट करते नजर आ रहे हैं टोल की तरफ से? जी, इस बारे में अभी टोल कर्मियों ने हमने यहाँ सदर थाना पुलिस में बात की तो उन्होंने कहा कि टोल गेट ना इस तरह की कोई शिकायत उन्होंने पुलिस को नहीं दी। चलिए, शुक्रिया आपका जानकारी पहुंचाने के लिए। तो शिकायत अभी तक नहीं दी गई है लेकिन जो वीडियो सामने आया है उस वीडियो में कहा जा रहा है कि जो पिटाई कर रहे हैं वो कुछ पुलिसकर्मी हैं जिन्होंने टोल कर्मी की पिटाई कर डाली।